गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, री एंड प्रोडक्शन। री मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन, मतलब कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन दोबारा से। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, पजेस करते हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब अपने जैसा ही, खुद के जैसा ही दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तैयार करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स बेबीज़ को जन्म देते हैं, छोटे बच्चे को जन्म देते हैं, जिनको बेबीज़ बोला जाता है। अब ये जो बेबीज़ होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के ही तरह दिखते हैं, सारी चीज़ें वैसे ही रहती है, बस वो छोटे रहते हैं, धीरे धीरे वो ग्रो करके फिर ह्यूमन एडल्ट में बदल जाते हैं। तो पॉपुलेशन मेंटेन रहे, जनसंख्या जो है वो मेंटेन रहे, इसके लिए सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने ही जैसे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। और एग्ज़ाम्पल, जैसे डॉग गिव्स बर्थ टू पपीज़, जो डॉग हैं उनके छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पपीज़। कैट के छोटे बच्चे हैं उनको क्या बोलते हैं, किटेंस। और लॉयंस के छोटे बच्चे को कब बोलते हैं। तो ये अपने जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं ताकि जनसंख्या मेंटेन रहे, पॉपुलेशन मेंटेन रहे। तो इससे इसका डेफिनेशन बना है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स बाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इसका मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन यानी उत्पादन, बाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस धरती पर उनके द्वारा, ऑफ देयर ओन काइंड। ऑफ देयर ओन काइंड मतलब उनके जैसा ही, बिल्कुल शक्ल सूरत सब कुछ जो है उनके जैसा ही होता है। ठीक है, तो अब लॉयन का अगर बच्चा है तो वो लॉयन जैसा ही दिखेगा, बस वो छोटा होगा। कुत्ते का बच्चा है तो कुत्ते जैसा ही दिखेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, अच्छा, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो एग्स देते हैं, एग्स फिर बाद में क्या होता है, हैच होता है, हैच मतलब फूटता है, उसके अंदर से फिर छोटे बच्चे निकलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं वो पहले एग्स देते हैं, एग्स जब हैच होता है फिर उसमें से बर्ड्स के बच्चे निकलते हैं। फ्रॉग्स हो गया, फिशेस हो गए, जितनी मछलियां हैं, और जो है रेप्टाइल्स में जैसे स्नेक है, तो ये सारे जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू देयर एग्स। ये तो हो गया एनिमल्स की बात। अब प्लांट्स भी तो लिविंग एनिमल है, तो प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, प्लांट्स जो है सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड्स मतलब बीज। आप लोग कोई भी फ्रूट खाते हैं तो उसके अंदर बीज होता है, वो बीज जो है रिप्रोड्यूस करने का काम करता है। उस बीज को निकाल के आप अगर मिट्टी में दबा दें तो कुछ दिन के बाद उसमें से पेड़ निकल जाता है। तो जैसा प्लांट है, जिस चीज़ का प्लांट है उसके सीड्स अगर बोएंगे तो वैसा ही प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, तो प्लांट्स जो है वो अपने सीड्स के थ्रू ग्रो करते हैं। और सीड्स कहाँ पाया जाता है, जनरली फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। प्लांट्स में जो फ्रूट निकलते हैं वो फ्रूट्स के अंदर सीड्स होता है। तो ये फीचर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम से अलग बनाता है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करता है। क्या आपने कभी देखा कि अगर ये पेन है तो पेन जो है अपने जैसे ही छोटा पेन को पैदा करे, नहीं होता ना। चेयर है वो भी नहीं करता। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है दे डू नॉट पजेस रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेट लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन को समझने से पहले ये देखते हैं कि किस तरीके से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है और वो मर जाता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बर्थ होता है, वो जन्म लेता है, फिर उसके बाद वो बड़ा होता है, मैच्योर हो जाता है। ठीक है, मैच्योर होने के बाद वो फिर बूढ़ा होता है, ओल्ड होने के बाद एक समय आता है जब वो मर जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है जन्म लेने से मरने तक का, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, तो लाइफ स्पैन समझ में आया कि जन्म लेने से मरने तक का पूरा प्रोसेस जो है वो कहलाता है लाइफ स्पैन। ठीक है,
अब ये है क्या, डेफिनेट इसमें लगा हुआ है। डेफिनेट मतलब होता है एक फिक्स, फिक्स्ड, फिक्स्ड लाइफ स्पैन, मतलब कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। अब किसी और कोई ऑर्गेनिज्म जन्म लेने से मरने तक में हो सकता है उसको 100 साल लगे, किसी ऑर्गेनिज्म को जन्म लेके मरने तक हो सकता है 50 साल ही लगे, ठीक है। तो ये जो 100 ईयर्स है, 50 ईयर्स है, ये क्या हो गया, डेफिनेट लाइफ स्पैन हो गया, ठीक है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक अलग डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। फॉर एग्जांपल, लिविंग जो लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे एनिमल्स लाइक डॉग, तो डॉग का लाइफ स्पैन होता है ओनली 15 ईयर्स। एक डॉग जो 15 साल तक ही जीता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स का नॉर्मल लाइफ स्पैन कितना होता है आप लोगों को पता होगा, नॉर्मली कितना साल जीते हैं ह्यूमन बींग्स, 80 ईयर्स। अब ये कोई फिक्स, जैसे एकदम एग्जैक्ट फिक्स नहीं होता है, कोई हो सकता है कि 90 साल तक जीता हो, कोई 70 साल तक, ठीक है। तो एक एवरेज मान के चलें तो 80 ईयर्स हो गया। वैसे ही डॉग का भी है, कोई हर डॉग 15 साल में ही मर जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई हो सकता है 16 साल जी सके, ठीक है, कोई 14 साल, कोई 13 साल, इस तरीके से। तो ऐसे हर ऑर्गेनिजम्स के अपने एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होते हैं। और जैसे जो मक्खी होती है घरों में, जिसको बोलते हैं हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ 4 वीक का है, 4 वीक्स ओनली, वो सिर्फ 4 वीक में ही वो जन्म भी लेती है, मेच्योर होती है, बूढ़ी भी हो जाती है और मर भी जाती है। एक घोड़ा जो है वो 30 साल तक जिंदा रहता है। सबसे ज़्यादा जो है लाइफ स्पैन होता है टर्टोइज़ का, टर्टोइज़ 190 ईयर्स तक भी जीता है। टर्टोइज़ मतलब कछुआ, ये अप्रॉक्स 190 ईयर्स तक जीता है। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन एक आया, टॉर्टोइज जो है एक पाया गया जो कि 400 साल तक भी जिंदा रहा था, 400 ईयर्स तक एक कछुआ ऐसा पाया गया। एक मछली होती है जिसका नाम है कोई, जापानीज फिश है, KOI, ये जिंदा रहती है 200 प्लस ईयर्स तक। ये मछली जो है कोई नाम की मछली, एक जापानी मछली है, ये 200 साल से भी ज़्यादा तक जिंदा रह सकती है। ये कुछ एनिमल्स हैं जिनका ये एक कॉमन जनरल लाइफ स्पैन है। तो इससे एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को कि कौन सा जानवर कितने दिन तक जिंदा रहता है। जैसे मे फ्लाई एक तरीके की मक्खी ही है जो सिर्फ एक दिन जिंदा रहती है। सोचिए, एक ही दिन में उसको जन्म लेती है, एक दिन में ही, मतलब वो क्या होती है, बड़ी हो जाएगी, एक ही दिन में शाम होते होते बूढ़ी हो जाएगी और रात होते होते हो सकता है मर भी जाए। तो इसका पूरा का पूरा लाइफ स्पैन सिर्फ एक दिन का होता है। हाउस फ्लाई जो मधुमक्खियाँ होती हैं घरों में, वो 4 वीक तक जिंदा रहती है, सिर्फ 4 वीक बस। घोड़ा जो है वो 30 साल जिंदा रहता है। चिंपैंजी वो 59 ईयर्स तक जिंदा रहता है। माउस, चूहे हो गए, वो 2 साल तक जिंदा रहते हैं। आपके घरों में जो चूहे होते हैं वो 2 साल तक रहते हैं। डॉग्स वो 14 साल तक रहता है। एलिफेंट का होता है 86 ईयर्स। तो ये सारा अप्रॉक्स है, कोई इसमें प्लस माइनस हो सकता है, ऐसा नहीं कि 86 है तो एकदम 86 एग्जैक्ट होगा, 14 है तो 14 एग्जैक्ट होगा, या 15-16 भी हो सकता है, 12-13 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक अप्रॉक्स लाइफ स्पैन है कुछ कॉमन एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो हमारे आसपास पाए जाते हैं।